न्यू हाउसेस, बड़े बड़े टावर्स एंड बिल्डिंग्स के बारे में तुम लोगों को तो पता ही होगा, बट इस सिटी के अंदर तुम लोगों को ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें देखने को मिलती हैं। फिर चाहे मैं बात करूँ हॉस्पिटल की, स्कूल की, बहुत बड़े फुटबॉल स्टेडियम की, बहुत सारे बड़े बड़े रैम्स की, इवन बहुत सारे तो हिडन रैम्स इस सिटी के अंदर छुपे हुए हैं जो कि तुम लोगों को ही ढूंढना पड़ेगा। एंड इस सिटी के अंदर तुम लोगों को पी हाउस, विलास, थ्री लेन हाईवे एंड ना जाने क्या क्या नहीं देखने को मिलता है। तुम लोगों को ये बहुत बड़ी सिटी देखने को मिल जा रही है एंड इस सिटी के भी काफी सारे पार्ट्स हैं भाई जो कि अलग अलग तरीके के हैं। एंड इस सिटी के अंदर हम लोगों को महल, बहुत बड़े प्लेन, गार्डन, ये बड़ा सा स्टार हाउस, विलेज टाइप खेत एंड ब्रो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं भाई। एंड आज के इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा तुम लोगों को ये सारी चीजें बताने की, तो इसीलिए इस वीडियो को पूरे एंड तक ही देखना। एंड हाँ, इस सिटी की लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी एंड इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इम्पोर्टेंट जो कि तुम लोगों के लिए जानना इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए इस वीडियो को स्किप मत करना। एंड अगर तुम लोग ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं इतनी बड़ी बड़ी सिटी सिर्फ एक से दो दिन में बना बना के लाता रहता हूँ। तो चलो हैविंग सेड दैट आज की इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो यो गाइस, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो अभी तो फिलहाल मैं घर ही में हूँ, बट जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकला सबसे पहले तो हम लोग अपने घर के सामने एक बहुत बड़ा सा प्लेन उड़ता हुआ देखने को मिल जा रहा है। एंड इसी के साथ मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता भाई कितनी सारी चीजें हैं इसी गेम के अंदर। अगर मैं पीछे को मुड़ता हूँ तो मुझे काफी बड़ा सा जंगल देखने को मिलता है जिसके पीछे रैंप है। एंड ऐसे ही बहुत सारे रैंप इस गेम के अंदर छुपे हुए हैं जो कि तुम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। एंड एक रैंप तो सिटी के नीचे भी जाता है। वेल एनीवे, उस पर भी आएंगे थोड़ी देर में, तो मैं एक कार लेता हूँ एंड चलो मैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि सच में इतनी बड़ी सिटी है कि मैं तुम लोगों को कहाँ से दिखाना स्टार्ट करूँ एंड कहाँ पे एंड ये चीज तो बहुत मुश्किल है। बट एनीवे मैंने कार या बाइक कुछ भी ले लेता हूँ एंड चलो अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। सबसे पहले जैसे मैं अपने घर के आगे आता हूँ देख सकते हो यहाँ पे पूरा एरिया बन रखा है जिससे कि मैं इधर या उधर दोनों साइड रोड पे जा सकता हूँ। एंड अगर एंड आगे की साइड हम लोगों को गार्डन देखने को मिलता है, यहाँ पे भी तुम लोग घूम सकते हो एंड प्लेन तो है ही एंड कार भी खड़ी है भाई इतनी बड़ी सी वो भी। एंड अगर तुमने नोटिस किया होगा तो हम लोग घर से हम लोगों को CIM लिस्ट भी लिखा हुआ देखने को मिल जा रहा था, वो भी आसमान में। तो हाँ, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजों पे इस सिटी में काम किया गया है। एंड इसी के साथ अगर मैं तुम लोगों को और दिखाऊं तो देखो यहाँ पे हम लोग काफी सारे घर देखने को मिलते हैं ऑलमोस्ट हर उस टाइप के जो कि मैंने आज से पहले अपनी पास्ट वीडियो बना रखा है। एंड इनमें से हर एक चीज पे तुम लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगी इस चैनल पे। एंड मैंने क्या किया है, वो सारे ही डिजाइन फिर से रिक्रिएट कर दिए हैं इस सिटी के अंदर। भाई मैंने सब कुछ फिर से ही बनाया है लेकिन सेम तरीके से, जो कि मैं नोट कर लेता हूँ जब भी कुछ बनाता हूँ। एनीवे तो अब सिंपल क्या करते हैं, मैंने नोटिस किया भाई कि ऐसे दिखाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए मैं तुम लोगों को ड्रोन शॉट की हेल्प से पूरा सिटी को काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड फिर हम लोग अपनी कार या बाइक से कुछ रैंप को भी खेलेंगे। तो एनीवे सबसे पहले तुम लोग देख सकते हो हम लोगों को कुछ इधर की साइड हमारा घर देखने को मिल जा रहा है एंड ऊपर प्लेन जो कि मैंने बताया ही एंड कार भी है इधर ही। एंड यहाँ पे हम लोगों को स्टार टावर एंड बहुत सारे घर एंड टावर अलग अलग टाइप के। एंड अब मैं तुम लोगों को स्कूल दिखा देता हूँ, ये देखो भाई स्कूल। एंड इसी सिटी में तुम लोगों को ये स्टार हाउस देखने को मिलता है, पूरा स्टार स्टूडियो वैसा बोल सकते हैं, काफी अच्छे डिजाइन में इसे बनाया गया है। यहाँ पे तुम लोगों को डिफरेंट टाइप के रैंप देखने को मिल जा रहे हैं एंड जंगल वंगल तो है ही। एंड यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारी बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं एंड यहाँ पे विला देखो ब्रो। एंड हाँ, इस स्थिति में मैं जितनी भी चीजें बना रहा हूँ इन सबके अंदर तुम लोग आराम से जा सकते हो एंड रह भी सकते हो। इवन जो बिल्डिंग्स तुम लोगों को देखने को मिल जा रही है उसमें भी तुम लोग जा सकते हो क्योंकि तुम लोगों को आगे की ओर रेड कंटेनर देखने को मिल जाएगा जहाँ पे खड़े होकर तुम लोग बिल्डिंग के अंदर जा सकते हो। देखो जो मेरी वीडियो काफी टाइम से फॉलो कर रहा है उसके लिए सब काफी ज्यादा इजी होने वाला है क्योंकि उन्हें ऑलमोस्ट सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी पता होगा। एंड बाय द वे यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो हम लोग थ्री लेन हाईवे देखने को मिल जा रहा है जो कि आगे जाके टर्न भी हो जाता है। एक जाता है उधर की साइड जो कि मैंने आगे बनाया नहीं है, मैं बनाऊंगा बहुत जल्द, और एक आता है सिटी के अंदर। यहाँ पे तुम लोग को अगेन एक आसमान वाला रैंप देखने को मिलता है, लाइक ये काफी ऊंचे है वैसे। एंड यहाँ पे स्कूल है एंड यहीं पे हॉस्पिटल भी है एंड यहाँ पे वैसे बहुत सारे महल भी है एंड उधर की साइड बहुत सारी बिल्डिंग टावर एंड पी हाउस भी भाई। एंड हाँ, हर सिटी के साथ साथ यहाँ पर भी हम लोग को मॉल देखने को मिल जा रहा है
एंड और भी कुछ टावर जिसके नीचे कार खड़ी होती है एंड तुम लोगों को बहुत सारे गार्डन भी देखने को मिल जाते हैं। एंड हाँ, गोकुलधाम सोसाइटी एंड स्टेडियम जो कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ये दोनों भी यहाँ पे फिर से रिक्रिएट कर दिए हैं। एंड तुम लोग आराम से यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, आराम से भाई गेम प्ले करो। एंड इस सिटी के अंदर तुम लोग को अलग अलग एरियाज देखने को मिल जा रहे, कुछ बहुत ही हाईली डेवलप्ड जहाँ पे तुम लोग को सिर्फ बिल्डिंग एंड बहुत बढ़िया बढ़िया टावर्स एंड घर एंड विलास देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे एरिया भी हैं जहाँ पे सिर्फ तुम लोग कॉन्क्रीट से बने हुए या बोला जाए थोड़े विलेज टाइप के हाउसेस भी देखने को मिल जा रहे हैं। एंड वहाँ पे फ्लोर भी नहीं है, वहाँ पे लिटरली मिट्टी है। एंड यहाँ पे तुम लोगों को खेत भी देखने को मिल जा रहा है। एंड ऐसे ही कुछ एरियाज हैं जो कि काफी दूर हैं सिटी से, एंड वहाँ पर भी तुम लोगों को काफी कुछ देखने को मिल जा रहा है, लाइक वही बिल्डिंग विल्डिंग सब कुछ। एंड बाय द वे यहाँ पे मैं जैसे ही आया तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे स्पेसशिप भी रखी हुई है ब्रो। एंड हाँ, एज आई सेड, तुम लोग किसी भी चीज के अंदर जा सकते हो। तो देखो आई नो मैं ढंग से तुम लोगों को सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने भाई अभी जस्ट इस पे काम करना खत्म किया, मेरे अंदर एनर्जी भी नहीं है। तो इसीलिए बहुत जल्द इसके ऊपर मैं पार्ट टू वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर हम लोग थोड़ी थोड़ी करके पूरी की पूरी सिटी को एक्सप्लोर करने वाले। अगर तुम लोगों को वे वीडियोस चाहिए तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि तुम लोग खुद से इस पूरी सिटी को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें इसके अंदर छुपी हुई हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इस सिटी के अंदर हर एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट अभी के लिए तुम लोग इस सिटी को आराम से इंस्टॉल कर सकते हो एंड अपना एक्सपीरियंस मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। एंड बाय द वे मैं तुम लोग को एक रैंप बता देता हूँ, अगर तुम लोग इधर की साइड जंगल में आते रहते हो तो तुम लोग को देखने को मिलेगा मेरा ये सीक्रेट वाला रैंप जो कि काफी सिटी के बाहर बनाया गया है। एंड यहाँ पे कोई आराम से आ भी नहीं सकता क्योंकि कभी तुम्हें दिखेगा ही नहीं है कहाँ पर है। तो मैं काफी सारा जंगल क्रॉस करके आया, यहाँ पे देखो जंगल यहाँ पे पूरा खाली है बीच से। एंड जैसे ही तुम ऊपर चढ़ते हो अगेन तुम लोग को रैंप देखने को मिलता है बहुत ही कमाल का, एंड इसको सॉल्व करना मुश्किल है। हालांकि मैंने इस पे भी एक वीडियो बना रखी है, तो अगर तुम लोग मुझे इसे सॉल्व करते हुए देखना चाहते हो सेम रैंप को तो जाकर तुम लोग मेरे चैनल पे उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। ये एग्जैक्ट सेम वैसी रैंप है, बस डिफरेंस इतना ही है कि पहले मैंने इसे बिना सिटी के बनाया था एंड अब इस सिटी के अंदर इधर बना दिया। एंड इसी के साथ मैं तुम लोगों को एक और रैंप बता देता हूँ जो कि मुझे देखने को मिलता है फर्स्ट वाले हाईवे जो 3 लेन हाईवे है उसी के साइड वाले लाइन में, जिसे तुम लोग कुछ यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। एंड मैं पूरा तुम लोगों को क्रॉस करके नहीं दिखाने वाला क्योंकि मैं चाहता हूँ ये सस्पेंस बना रहे एंड तुम लोग इसे खुद से ही क्रॉस करो। इसीलिए मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगा कैसे मैं इनके इस रैंप के ऑब्स्टिकल को क्रॉस करता हूँ, बट मैं स्किप करके बीच बीच से दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने इसे काफी इजीली क्रॉस कर लिया। सबसे पहले तुम लोगों को यहाँ पे रैंप देखने को मिलेगा जहाँ तुम्हें जंप करा करा के लेके जाना है, एंड फिर इस बड़े से सर्कल में तुम लोगों को थोड़ा सा ऊपर जाके देन रैंप में कूदना है। एंड ऐसे कर करके तुम्हें 2-3 ऑब्स्टिकल देखने को मिलेंगे एंड बीच बीच में तुम लोगों को काफी पतली रोड देखने को मिलेगी जहाँ से तुम लोग कभी भी गिर सकते हो। एंड तुम लोगों को कुछ रोटेटिंग प्रोपेलर से बने हुए कुछ प्लेसेस देखने को मिलेंगी एंड इस पूरे रैंप में तुम लोगों को जगह जगह पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। कहीं पे तुम लोगों को रैंप से जंप करना पड़ेगा, कहीं पे तुम लोगों को नेट वाली वॉल पे चलना पड़ेगा एंड कभी कभी रोटेटिंग कंटेनर पे कूदना पड़ेगा। एंड सिर्फ यही नहीं, लाइक तुम लोगों को अजीब सी रोड भी देखने को मिलेंगी कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे बीच में काफी सारी जगह है जहाँ से अगर तुम लोग कम स्पीड से निकलते हो तुम लोग डेफिनेटली नीचे गिर जाओगे, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जगह जगह पे चेक पॉइंट भी एड कर रखे हैं जिन्हें तुम लोग एक बार टच कर दोगे एंड फिर अगर गिर भी जाते हो तुम लोग वापस आ सकते हो। होप से तुम लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता था। एंड मैंने तो इस क्रैम को क्रॉस करने में लगभग 5 मिनट के करीब लगाया है एंड मैं जरूर जानना चाहूंगा तुम लोगों को इसी रैंप को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है। एंड मैंने स्किप करके तुम लोगों को दिखा दिया एंड बाय द वे मेरा रैंप कंप्लीट भी होने वाला है, तुम लोग यहां पे देख सकते हो। एंड एंड में तो हम लोगों को जो वो ब्लू वाले रैंप से बना हुआ इतना मुश्किल सा zigzag एंड बहुत सारे टर्नों से भरा हुआ जो रास्ता देखने को मिलता है वो सबसे ज्यादा मुश्किल है, बट उसके बाद सब सिंपल है। उसके बाद बस तुम लोगों को थोड़ा सा ही क्रॉस करना है एंड फिर ऑटोमेटिकली तुम लोग इन वाले प्रॉप्स पे आ जाओगे एंड दैट्स इट। अब तुम लोग आराम से यहाँ से उतर सकते हो एंड दैट्स इट। तो हाँ, अगर तुम लोग इस तरह रिलेटेड पूरी कंप्लीट सीरीज देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हैविंग सेड दैट, अगर तुम्हें आज की इस वीडियो को देखने में थोड़ा सा भी मजा आया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जो मन करे कर देना एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।